आजो यार आजो, इधर लाओ ना माइक, इधर लाओ यार, मैं भाई बोलो, लाओ भाई पंगा पे आ गया ना, मैं समझ लो लाओ लाइक कर रहा हूं। भाई तो है कि चलने हो गया जो वहां था हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये जो आपदा में जो प्रभावित स्थान है भ्रमण के उनको देखने के लिए कि केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा से ये जो नुकसान हुआ है जान माल का भी नुकसान हुआ और जिस तरीके से ये आपदा आई इस दुख भरी घड़ी में हम सब लोग प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं, प्रदेशवासियों के लिए खड़े हैं। जहाँ तक राहत कार्य का सवाल है, राहत कार्य के लिए जो हमको NDRF को भेजना था लगभग 13 टीम NDRF की आई हुई है, वह जान की रक्षा के लिए लगी हुई हैं और उसी तरीके से SDRF भी यहाँ पूरी तत्परता से लगी हुई है। आर्थिक दृष्टि से जो केंद्र से मदद की बात कही गई है वह केंद्र की मदद निश्चित रूप से उनको मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से विश्वास लगा आर्थिक दृष्टि से साथ ही साथ हम सब लोग एक साथ मिलकर इस आपदा को से निकलने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात 9 तारीख को, गृह मंत्री 11 तारीख को, प्रधानमंत्री जी ने बात की, मैंने खुद बातचीत की
और प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी बात की, सारे पार्टी के जुटे, हर स्थान छोटे बड़े स्थानों पर जहां जहां लोगों को इवैक्यूएट करना था उसमें लोग लगे हैं और आगे भी राहत कार्य में लगे रहे। ऐसे आप के समय हम सब एकजुट होकर इससे लड़े और केंद्र सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरा सहयोग और सपोर्ट आर्थिक दृष्टि से भी और जो हमको व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक होगा वह उसमें कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ MI-17 के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू में लगाए गए हैं, विपरीत परिस्थिति में लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, आगे भी जो आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।